हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं AWS की सर्टिफिकेशन का नेक्स्ट एक टॉपिक, S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने S3 को क्रिएट करना, उसमें कैसे आपने डाटा को अपलोड करना है और उसके साथ साथ कैसे उसके ऊपर सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन मेथड्स आप इनेबल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के प्रैक्टिकल को। तो छोटी सी एक इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी एक बकेट है, आपकी एक स्टोरेज बकेट है किसी एक लोकेशन के ऊपर, तो वहाँ पर आप लोग अपनी कंपनी का सारा डेटा अपलोड कर रहे हैं। अब डे बाय डे आपका डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उस डेटा का बैकअप भी होना चाहिए ताकि कल को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजास्टर रिकवरी की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, या किसी भी तरह का डेटा लॉस से आप बचना चाहते हैं, तो हम लोग एक तो वर्जनिंग इनेबल कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन इनेबल कर सकते हैं। तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन क्या होगा कि आपकी जो ये बकेट है, अब कोई एक लोकेशन है, ए लोकेशन, जहाँ पे आपकी सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक दूसरे रीजन में कोई एक अदर बकेट क्रिएट करेंगे और उस बकेट के अंदर हम लोग रेप्लिकेशन इनेबल कर देंगे। अल्टीमेटली होगा ये कि हमारा सारा डेटा जो भी आप लोग बकेट ए के अंदर, यानी आपकी जो मेन बकेट है उसके अंदर स्टोर करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा डेटा आपकी सेकंड बकेट के अंदर वो रिप्लिकेट होता जाएगा। जितना भी डेटा आप लोग ए में अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो चला जाएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा वो उसके एक तो करंट वर्जन और प्रीवियस वर्जन को ही रिप्लिकेट करेगा। अगर आपने बकेट ए के अंदर कोई डेटा को डिलीट किया तो वो बकेट बी के अंदर वो डिलीट नहीं होगा, यानी बैकअप फाइल जो है वो डिलीट नहीं होगी और ना ही वो डिलीट मार्क का उस पर इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि जो आप नई फाइल अपलोड कर रहे हैं और उसका एक प्रीवियस वर्जन, ये चीज़ों का वो बैकअप रखेगा। अब इसमें जो आपका बैकअप वाली जो आपकी रिप्लिकेशन वाली जो एक बकेट है उसके अंदर हम लोग स्टोरेज क्लासेस को भी सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर जो प्राइजिंग है, अब आपका एक ही डाटा दो बारी स्टोर हो रहा है तो आप चाहते हो कि उसकी प्राइजिंग कम पड़े, तो आप लोग क्या करोगे, जो उसकी सेकेंड बकेट है उसके अंदर आप लोग अलग अलग तरह की स्टोरेज क्लासेस सेट कर दोगे, जिसका बेनिफिट ये हुआ कल को वो डाटा ऑटोमेटिकली वो डीप आर्काइव में या इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्राइसिंग उसकी लो पड़ेगी। तो ये एक टोटली एक प्रैक्टिकल लैब है, एक प्रॉपर एक प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं और प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इसके बकेट के क्रिएट करने में या इसकी सिक्योरिटी इंक्रिप्शन में या वर्जनिंग में कोई प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछली वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के लिए हमें सबसे पहले सर्विसेज के अंदर जाना है। सर्विसेज के अंदर हमें फिर से वही स्टोरेज के अंदर हमारी S3 सर्विस हमें नजर आएगी। S3 सर्विस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड बकेट्स आपको शो होंगी। तो यहाँ पे हमने जो अभी लास्ट प्रैक्टिकल में वर्जनिंग के लिए हमने एक बकेट क्रिएट करी थी, जिसके ऊपर हमने हमारा लास्ट प्रैक्टिकल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल को कॉन्फ़िगर किया था, तो इसी बकेट के अंदर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैनेजमेंट करके ऑप्शन नज़र आएगी, मैनेजमेंट के अंदर जाना है आपने। मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे रेप्लिकेशन आपको नज़र आएगा। रेप्लिकेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो रेप्लिकेशन में आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि अभी तक आपने कोई रेप्लिकेशन इस बकेट की इनेबल नहीं करी है। इसको हम लोग क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी बना सकते हैं, यानी हमारी इस बकेट का एक बैकअप, एक बकेट बैकअप हम लोग किसी दूसरे रीजन में भी क्रिएट कर सकते हैं और उसी का बैकअप हम लोग एक सेम रीजन में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एड ए रूल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आएंगी कि सोर्स जो है वो कौन सा रहेगा, यानी बकेट का जो बैकअप आपने क्रिएट करना है क्रॉस रीजन में। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी। फर्स्ट आएगी इंटायर बकेट, जिसका नाम जो भी टेक एडमिन वर्जन हमने रखा हुआ है, और सेकंड जो है प्रीफिक्स और टैग्स। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं
तो आपकी पूरी की पूरी बकेट का एक क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा, यानी आपकी इस पूरी बकेट का बैकअप किसी दूसरी रीजन में एक अलग से बकेट क्रिएट हो जाएगी। वो आपके सेम अकाउंट के अंदर भी हो सकती है, वो मान लीजिए आपका ये AWS अकाउंट है, आप चाहें तो उसी में ये रेप्लिकेशन लगा सकते हैं दूसरी बकेट के ऊपर, या फिर आप उस रेप्लिकेशन को किसी दूसरे AWS अकाउंट के अंदर भी आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपकी अपलोड की गई फाइल्स इस बकेट में, अपलोड की गई फाइल्स ऑटोमेटिकली दूसरी किसी और बकेट में चली जाएं। तो यहाँ पे एंटायर बकेट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो पूरी बकेट का बनेगा। अगर आप सिर्फ कुछ टैग्स के साथ इसे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड डाटा को ही रेप्लिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसे इनक्रिप्टेड मोड में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे टिक कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट टाइप हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी टाइप के थ्रू आप लोग इसे इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, जो सिक्योरिटी की कौन सी रखना चाहते हैं। इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं तो वहाँ से आप इसे स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूं और सिर्फ एंटायर बैकअप बकेट को सिलेक्ट करते हुए हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में आपको डेस्टिनेशन बकेट के बारे में पूछा जाएगा। डेस्टिनेशन बकेट में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो एक नई बकेट, जिसके लिए आप एक नया नाम देंगे, एक रीजन सेलेक्ट करेंगे, वो बकेट क्रिएट हो जाएगी। या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास कोई बकेट बनी हुई है, आप उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे इनेबल किया जा सकता है। अगर आप ओल्ड बकेट में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा किसी पुरानी बकेट में स्टोर हो जाएगा, अगर वो सेम अकाउंट में है। अगर वो किसी अनदर अकाउंट में है, AWS किसी और अकाउंट में कोई और बकेट है, तो यहां पे इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं, ना ही मैं अपने सेम अकाउंट की कोई अदर बकेट सेलेक्ट करूंगा, ना ही मैं किसी अनदर जो हमारा AWS अकाउंट है उसको सेलेक्ट करूंगा। मैं एक नई बकेट क्रिएट करता हूं। हम लोग क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपसे बकेट का नेम पूछा जाएगा। अब यहां पे आप इसका कोई भी एक नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी एक नेम दे दिया, बट इतना याद रखिएगा वो नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं उठा रहा। तो हम लोग कुछ भी इसके साथ कुछ और डेटा, कुछ भी रैंडम नंबर से एंटर कर देते हैं। अपर केस नहीं ले पाएगा ये। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडम नेम दे दिया जो भी इसे रखना चाहते हैं। उसके बाद रीज़न सेलेक्ट कर देते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे वो रीज़न नहीं सेलेक्ट कर सकते जिसमें आपकी ओरिजिनल बकेट है, यानी सेम अगर आप क्रॉस रीज़न रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका रीज़न आपको डिफरेंट ही रखना पड़ेगा। कोई भी एक रख दीजिए जो भी आपको चाहिए। उसके बाद अदर ऑप्शन हैं लाइक स्टोरेज क्लास। अगर आप जो क्रॉस रीजन वाली बकेट है उसकी स्टोरेज क्लास कौन सी रखना चाहते हैं, उसको स्टैंडर्ड में रखना चाहते हैं या इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में रखना चाहते हैं या ग्लेशियर स्टोरेज में रखना चाहते हैं, या फिर आप ओनरशिप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अभी एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ना तो कोई स्टोरेज क्लास चेंज करनी है। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी प्राइसिंग के हिसाब से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू बकेट क्रिएट की, उसका रीज़न सेलेक्ट किया और उसका नेम सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद हमें इसमें आइडेंटिटी मैनेजमेंट रोल के बारे में पूछा जाएगा, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रोल के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक न्यू रोल क्रिएट कर देते हैं। ये रोल जो है रहेगा हमारा, जब हम वो बकेट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा हमारे क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन में, जब एक न्यू बकेट में आप ओल्ड बकेट में सॉरी डेटा अपलोड करेंगे, तो वो ओल्ड जो हमारी रेप्लिकेशन वाली बकेट है उसमें डेटा अपलोड करने की कोशिश करेगा, तो उसको एक्सेस के लिए कौन सा आप रूल बनाना चाहते हैं। कोई भी एक न्यू रूल दे दीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि आइडेंटिटी जो एक मैनेजमेंट रोल के थ्रू ही वो एक्सेस हो, तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं इसे इनेबल करके यहाँ पे कोई भी एक टाइप हम नया एक क्रिएट कर देते हैं, न्यू क्रिएट करके माय आईडी कोई भी एक नाम दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये पूरा रिव्यू किया जा रहा है। बकेट का नेम, जो सोर्स बकेट है उसका नेम क्या है, उसका स्कोप क्या है, इंटायर बकेट पूरी की पूरी की हमने, उसका रीज़न कौन सा रहेगा, फिर डेस्टिनेशन में उसका नाम क्या है, उसका रीज़न कौन सा रहेगा, स्टोरेज क्लास कौन सी रहेगी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट की हैं। रेप्लिकेशन टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कब रेप्लिकेट हो वो, तो मैंने डिसेबल किया, यानी ऑटोमेटिकली वो एवरी टाइम होएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रूल जो है वो भी क्रिएट किया गया, एक नया रूल हमने बनाया, उसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर दी और उसका स्टेटस है। तो पूरी इंफॉर्मेशन है, इसको हम सेव कर देंगे।
और सेव करने के बाद क्या होगा, ये हमारा जो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन बकेट है हमारी क्रिएट हो जाएगी और ये रूल भी इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद हमारा जो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे ये एक नीचे जो रूल है हमारा वो इनेबल हो चुका है, सोर्स और डेस्टिनेशन सेट हैं, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। कल को अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इसको एडिट करने के लिए। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग ओवरव्यू में जाएंगे। ओवरव्यू में यहाँ पे अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, हमने जो एक नई बकेट वहाँ पे रेप्लिकेशन में क्रिएट करी थी वो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अब जो भी डाटा आप इस वाली ओरिजिनल बकेट में अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली वो इसमें भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे इसकी रीज़न की बात करें तो ये दोनों अलग अलग रीज़न में हैं। यहाँ पे US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया है और ये कोई एशिया का मुंबई ब्रांच है, वहाँ पे जो इसका रीज़न है वो सिलेक्ट किया हुआ है हमने। तो जो भी डाटा अब चेक करते हैं, इसमें कोई भी एक डाटा हम अपलोड करते हैं जो हमारी ओरिजिनल बकेट है जिसका हमने रेप्लिकेशन सेट किया, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ऐड अ फाइल करेंगे, कोई भी एक फाइल ऐड कर देते हैं, इस फाइल को ऐड किया हमने तो सिंपली हम लोग अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के फ्यू सेकंड के बाद यहाँ पे ये प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो ये टेक एडमिन वर्जन वाली एक बकेट है इसके अंदर ये फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। जब हम शो को क्लिक करेंगे, शो के बाद हमारे ओल्ड वर्जन जितने भी हैं, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब हम वापस चलते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर हमारे बकेट्स के अंदर, तो हमने डेटा जो है अभी इसमें अपलोड किया। अब हम चलते हैं अपनी क्रॉस रीजन वाली जो बकेट है उसके अंदर। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा हमने वहाँ पे अपलोड किया ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी हमें प्रेजेंट्स नज़र आ रहा है। तो अगर हम शो करेंगे तो उसके अंदर देखिए जो हमारे ओल्ड डेटा जो हमारा एक वर्जन, सिर्फ एक ही वर्जन उसका सिलेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, लेटेस्ट वर्जन, ना कि हमारे जो डिलीटेड मार्का है, वो चीज़ें नहीं इसमें रेप्लिकेट होती। तो चलिए अब हमारा सेम डेटा तो दोनों ही तरफ अपलोड हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं ओरिजिनल बकेट के अंदर और इस फाइल को हम लोग डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया और मैंने इसको एक्शन में गया और इस फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद अब ये फाइल हमारी यहाँ से जा चुकी है, ये फाइल हमारी यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब हम वापस चलते हैं हमारी रेप्लिकेशन में, उसमें जाके चेक करते हैं कि क्या हमारी फाइल वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब हम वापस आएंगे तो लेकिन यहाँ पे हमारी रेप्लिकेट हो चुकी है, उस फाइल का बैकअप यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे वो फाइल हमारी हमें शो हो जाएगी। अब अगर कल को इस फाइल को हम यहाँ से जब तक डिलीट नहीं करेंगे वो फाइल डिलीट नहीं होएगी क्योंकि ये आपस में रेप्लिकेशन है, लेकिन एडिट का पूरा इफेक्ट हमें नज़र आएगा। कल को अगर हम इस फाइल को कुछ भी एडिट करते हैं तो सेम टाइम यहाँ पे भी वो फाइल जो है रेप्लिकेट हो जाएगी। तो दोनों ही बकेट आपस में श्रिंक हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। तो इसमें अगर कल को कोई एक और फाइल क्रिएट करते हैं हम किसी भी और नेम की तो वो सेकंड फाइल भी आपकी सेम, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं एक और फाइल क्रिएट करने की। इस फाइल का हम एक कॉपी करके न्यू टेक कोई भी एक सेकंड फाइल हम इस फाइल में इस बकेट के अंदर अपलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी फाइल अपलोड करी है, सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पे हमारी क्रॉस रीजन वाली बकेट में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी विद इन फ्यू सेकंड जो हमारी सेकंड फाइल है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। ये देखिए सेकंड फाइल रेप्लिकेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग रेप्लिकेशन इनेबल कर सकते हैं। ये रेप्लिकेशन आपके सेम AWS अकाउंट के अंदर पड़ी हुई बकेट के अंदर भी हो सकता है और यही चीज़ सेम आपके किसी अनदर AWS अकाउंट के अंदर कन्फिगर की गई बकेट के अंदर भी आप सेट कर सकते हैं। इससे बेसिकली होगा ये, कल को मान लीजिए किसी भी तरह का डेटा लॉस हो जाता है या आपका डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है तो एक बहुत ही अच्छा एक मास्टर बैकअप टूल है जिसके थ्रू आपकी सारी बकेट का बैकअप जो है वो परफॉर्म होता रहेगा। एग्जाम टिप्स ऑन क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन।
तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे इस टॉपिक को लेके। सबसे पहले याद रखिएगा कि क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप लोग इस पे वर्जनिंग इनेबल ना करो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्जनिंग मस्ट बी इनेबल ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बकेट। उसके बाद रीजन मस्ट बी यूनिक। अगर आप दो बकेट के अंदर क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोनों ही बकेट आपके डिफरेंट रीजन के अंदर लोकेटेड होनी चाहिए। अगर आप उसको ए के अंदर और दूसरी किसी दूसरे, अब जैसे हमने प्रैक्टिकल के अंदर एक जो था हमारा नॉर्थ वर्जीनिया और दूसरा जो था मुंबई रीजन हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट नहीं होंगी हमारी रिप्लिकेशन बकेट्स के लिए। उसके बाद जितनी भी फाइल्स आप नए फाइल्स को अपलोड करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट हो जाएंगी हमारी रिप्लिकेशन बकेट के अंदर। और इसके साथ साथ फिफ्थ जो चीज़ है वो कि डिलीट मार्का, जो भी आप फाइल्स को डिलीट करोगे वो डिलीट मार्का जो है वो रिप्लिकेट नहीं होगा हमारी क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन में। उसके साथ साथ इंडिविजुअली अगर आप किसी एक वर्जन को डिलीट कर देते हो तो वो भी वहाँ पे रिप्लिकेट नहीं होगा। और उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिलीट मार्का जो है वो रिप्लिकेट नहीं होगा हमारी क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के लिए। तो इस वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।